देश की महानता और नैतिक प्रगति को इस बात से आंका जा सकता है कि वहाँ के जानवरों के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है। हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं न्यूज 360 और मैं हूँ वैशाली। आज 30 जनवरी मतलब नेशनल मार्टियर्स डे मतलब राष्ट्रीय शहीद दिवस। टुडे इज द एनिवर्सरी ऑफ असैसिनेशन ऑफ आवर फादर ऑफ नेशन महात्मा गांधी एंड टू ऑनर हिम एंड ऑल द मार्टियर्स जिन्होंने वतन को आबाद रखने के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया, हम मनाते हैं शहीद दिवस। भगत सिंह कहते थे कि सुना है राष्ट्रभक्तों को लोग पागल कहते हैं, तो कह दो उनसे सीने पर जो जख्म है ये सब फूलों के गुस्से हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। दोस्तों, अभी हमने अपना 70th रिपब्लिक डे सेलिब्रेट किया है और आज हम मना रहे हैं शहीद दिवस। ऐसे मौकों पर अक्सर लोगों में एक अलग ही जोश देखने को मिलता है देश के लिए, और अगर हम बाहर जाएं और उनसे पूछें कि आप देश के लिए क्या चाहते हैं, तो यकीन मानिए आधे लोग तो अपना पॉलिटिक्स का ज्ञान झाड़ना शुरू कर देंगे और आधे लोग ये बोलेंगे कि हम देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। क्या करेंगे, कैसे करेंगे? तो जवाब आते हैं कि आर्मी, नेवी या एयरफोर्स ज्वाइन कर लेंगे, कुछ कहेंगे पुलिस ज्वाइन कर लेंगे, या कुछ कहेंगे कि हम पॉलिटिक्स में जाकर देश की सेवा करेंगे। असल बात यह है कि हम जो लोग आज ये कह रहे हैं ना कि देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, असल में हम ही लोगों ने देश का हुलिया बिगाड़ रखा है। जहाँ चाहे वहाँ कचरा फेंक देते हैं और फिर कहते हैं देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, पान खाते हैं, गुटखा चबाते हैं और जहाँ मन आया वहाँ थूक देते हैं और कहते हैं देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट्स पे जो चाहे लिख देते हैं और कहते हैं देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। पब्लिक प्रॉपर्टीज को नुकसान पहुँचाते हैं, अपना गुस्सा निकालते हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स पर, बसेस जला देते हैं, तोड़फोड़ करते हैं और कहते हैं देश के लिए कुछ करना चाहते हैं। और तो और, ये लोग भी देश के लिए कुछ करना चाहते हैं जो शराब पीकर अपनी बीवियों को पीटते हैं, लड़कियों पर भद्दे कमेंट्स पास करते हैं। अगर आप देश के लिए ऐसा योगदान देना चाहते हैं तो मत दीजिए, देश को आपके योगदान की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप फौज में रहकर या पॉलिटिक्स में रहकर ही देश की सेवा करें, हम जहाँ हैं वहाँ रहकर भी देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ज़रूरत है जिम्मेदार बनने की। जिन्होंने वतन के लिए इतनी कुर्बानी दी है उनकी कुर्बानियाँ बेकार न जाने दें, जिम्मेदार बनिए ताकि आप भी कह सकें कि हाँ, हमने देश के लिए कुछ किया है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और न्यूज़ 360 की टीम की तरफ से हर उस शहीद को भावपूर्ण श्रद्धांजलि जिन्होंने हमारे देश के लिए, अपने देश के लिए अपनी सारी ज़िंदगी कुर्बान की और मरने के बाद भी विजय प्राप्त की।